ज्योतिया व्रत का इतिहास। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में पिता की मौत के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज था। सीने में बदले की भावना लिए वह पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार डाला। कहा जाता है कि सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी देवमणि छीन ली। क्रोध में आकर अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी ब्रह्मास्त्र से मार डाला। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को पुनः जीवित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवित होने वाले इस बच्चे को जीवित पुत्र का नाम दिया गया। तभी से संतान की लंबी उम्र और मंगल कामना के लिए हर साल जितिया व्रत रखने की परंपरा को निभाया जाता है। ज्योतिया व्रत कथा। नर्मदा नदी के पास एक नगर था, कंचनवटी। उस नगर के राजा का नाम मलयकेतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालुभटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसे पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने भगवान से ज्योतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। सियारन को भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पालन किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम सीलवती रखा गया। सीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपुरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलयकेतु से हुई। अब कपुरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान ज्योतवाहन के आशीर्वाद से सीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपुरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद सीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपुरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर सीलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान ज्योतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपुरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपुरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो वह बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान ज्योतवाहन की कृपा से सीलवती को
पूर्व जन्म की बातें याद आ गईं। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया।